इंडिया के किसी भी शहर चले जाओ, एक ही नज़ारा देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी इमारतें और फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन विशाल स्ट्रक्चर्स को खड़ा करने के लिए ईंटें कितनी लगती होंगी? 25,000 करोड़। ये है इंडिया में ईंटों की सालाना डिमांड, लेकिन सप्लाई हो पाती है सिर्फ 8,500 करोड़। और इसी गैप को कम करने के लिए बवाना हरियाणा के सतीश चिकारा ने इन्वेंट किया है ऐसा व्हीकल जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं, इंडिया का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड ब्रिक मेकिंग व्हीकल। दिमाग में आया कि भाई आज से पहले हर फील्ड में मशीनरी है, मशीनरी का युग आता जा रहा है, तो इस फील्ड में क्यों नहीं। पूरी दुनिया में आज भी आम तौर पर ईंटें मैन्युअली ही बनाई जा रही हैं, मगर अब इस प्रोसेस में रफ्तार भर रही है सतीश जी की मशीन। इस मशीन में पहले ऊपर से रॉ मटेरियल यानी 25% फ्लाई ऐश, 25% राइस हस्क और 50% मट डाला जाता है। फिर ट्रक को ऑटो मोड पर सेट किया जाता है और रॉ मटेरियल का मिक्स कन्वेयर बेल्ट से मोल्ड में फिल होता है। और जैसे जैसे ट्रक मूव करता है, ईंटें धड़ाधड़ बिछनी शुरू हो जाती हैं। जहां एक मजदूर एक घंटे में लगभग 80 ईंटें बना पाता है, वहीं ये ब्रिक मेकिंग व्हीकल एक घंटे में 12,000 ईंटों तक बिछा सकता है। OMG! बड़ी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये मशीन ईंटों की कॉस्ट को लगभग 40-45% कम कर देती है। यानी ये मशीन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बवाल मचा सकती है, और तो और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। वातावरण के हम अनुसार देखेंगे तो सरकार की जो फ्लाई ऐश की समस्या है, इसमें फ्लाई ऐश मिक्स करके और हम उस फ्लाई ऐश को खत्म कर सकते हैं धीरे धीरे। यानी ये ईंटें पर्यावरण और आपकी जेब दोनों का ख्याल रख सकती है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले ब्रिक मशीन्स नहीं आई हैं, लेकिन ज्यादातर मशीन स्टैटिक होने की वजह से ईंटों को बिछाने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन यार सतीश जी, जिनका ऑटोमेशन में कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, उन्होंने ऑटोमेटिक मशीन बनाने की क्यों सोची? 2007 में आके एक भट्टे में छोटी पार्टनरशिप डाली थी, उसके बाद काफी सारे लॉस हुए, लेबर की बड़ी समस्या रहती थी भट्टे में, तो ये देखने में आया कि भाई क्यों ना एक मशीन इजाद की जाए। और इसी के साथ 2007 में सतीश और उनके भाई विलास ने R&D शुरू कर दी। और पूरे 7 साल की लगातार मेहनत के बाद आया इनका यूरेका मोमेंट, जब बनी इनकी पहली परफेक्ट मशीन। तब से लेकर अब तक इन्होंने इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और कई गल्फ कंट्रीज में 250 से ज्यादा ऑटोमेटिक मशीन्स बेची हैं, और उन्हें इस आइडिया के लिए भारत सरकार से नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी मिल चुका है। सतीश जी ने इस मशीन को पेटेंट करा लिया है और इनका अगला टारगेट है मशीन का ऐप बेस्ड वर्जन बनाना। सचमुच सतीश जी इस बात की मिसाल है कि एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया हो और उसमें अपना सब कुछ लगा देने की हिम्मत हो तो बड़े से बड़ा बदलाव लाने के लिए एक ईंट ही काफी है। इनके लिए तो बॉस कहना ही पड़ेगा OMG, ये मेरा इंडिया।